सो है गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग्स। और गाइज, आज हम लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं चांदीपुर, और हमारे साथ जा रहा है मुन्ना, जिसे आपने देवकुंड ब्लॉग्स में भी देखा होगा। एंड गाइज, ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है सत्यसाई इंजीनियरिंग कॉलेज, और रास्ते के साइड में हमारी स्कूटी भी खड़ी हुई है। एंड अभी हम चलने वाले हैं चांदीपुर सी बीच के बेहतरीन राइड। गाइस, फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं चांदीपुर सी बीच, और गाइस ये देखिए, ये रहा पीछे समुद्र। गाइस, अभी मॉर्निंग का वक्त है इसलिए ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ पे, और करीब करीब 10 11 बजे के आसपास में यहाँ पे लोग पूरा भर्ती होते हैं। ये क्या कर रहा है, डांस क्यों कर रहा है? मजा आ रहा है गाइस, मुन्ना को तो काफी मजा आ रहा है। तो गाइस, अभी पानी को किनारे तक आने में काफी वक्त लगेगा, करीब 15-20 मिनट लग सकता है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं बलरामगिरी, वहां पे देखेंगे बोटिंग वगैरह, एंड उसके बाद कृष्ण मंदिर का दर्शन करेंगे, एंड उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ पे आएंगे चांदीपुर सी बीच पे। तब किनारे तक पानी भी आ गया होगा, तो आप काफी अच्छे तरह से देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फटाफट चलते हैं। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बलरामगिरी। ये देखिए गाइस, ये जो पीछे सारे बोट जो दिख रहे हैं, ये समुद्र से मछलियां पकड़ के इस तरफ नदी के रास्ते यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ से मछलियाँ अनलोड करके बाहर पैकेजिंग करके भेजे जाते हैं। तो गाइस, अभी हमारा बोट पे बैठने का प्लान है, हम और मुन्ना अभी जाएंगे बोट पे। गाइस ये देखिए, अभी आदमी लोग उतर जाने के बाद अभी हम लोग बैठ के चलेंगे अंदर। थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ से गए थे तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था, यहाँ पे देखिए अभी पानी पूरी तरह से भर चुकी है, इसका मतलब समुद्र के किनारे तक भी पानी आ चुका होगा। गाइस ये देखिए, हमारी स्कूटी भी ऑलमोस्ट डूब चुकी है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कृष्ण मंदिर, ये देखिए, ये रहा हमारे पीछे कृष्ण मंदिर। एंड गाइस, ये गेट से एंट्री नहीं है, गेट नंबर 1 से एंट्री करनी पड़ेगी हमें, जो कि इस तरफ से है। ये देखिए, आगे से जस्ट यहाँ से गली के अंदर से गेट नंबर 1 है, एंड वहाँ से एंट्री करके अंदर चलेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 1 से अंदर मंदिर के पास, ये रहा पीछे हमारा मंदिर। गाइस चलिए चलते हैं अभी अंदर। तो गाइस अभी हम मछलियों के लिए दाना भी खरीद चुके हैं, ये रहा दाना, अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कलरफुल एंड रंग बिरंग मछली। तो गाइस ये देखिए, ये रहा दाना, एंड अभी देखिए डालने के बाद अंदर मछलियाँ किस तरह साइड में आती है। गाइस ये देखिए, धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए। ओ भाई, अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से खा भाई।
गाइस मंदिर के जस्ट साइड में देखिए यहाँ पे छोटा मोटा एक चिल्ड्रन पार्क भी बनाया गया है। तो गाइस चलिए ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर छोटे छोटे खरगोश भी हैं और कुछ पक्षी भी नजर आ रहे हैं उस तरफ में। चलिए उस तरफ चल के आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए इधर इसके अंदर पिंजरे के अंदर भी छोटे छोटे पक्षी पाल के रखे गए हैं। गाइस इसकी आवाज़ें सुनिए कितनी प्यारी है। एंड ऊपर कोने में देखिए लैला और मजनू बैठे हुए हैं। गाइस लगता है काफी गुस्सा हो गया है ये लोग, हम इनकी पार्टी में बाधा बनने के लिए आ गए इसलिए। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। गाइस ये देखिए इधर सफेद चिड़िया है। ओ वाओ मुन्ना मजा आ गया ना? आगे भी आज गाइस ये देखिए इधर भी लैला मजनू है। तो गाइस अभी वापस से हम लोग जाने वाले हैं सी बीच पे, क्योंकि सुबह के टाइम में वहाँ पे किनारे तक पानी नहीं आया हुआ था, हमें चल के 1.5 किलोमीटर अंदर तक जाना पड़ा था। एंड गाइस अभी किनारे तक पानी आ चुका होगा तो काफ़ी बेहतरीन दृश्य होगा अभी का जो किनारे पे पानी आ चुका होगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं चांदीपुर। तो गाइस अभी हम वापस से पहुँच चुके हैं सी बीच पे। एंड ये देखिए गाइस अभी किनारे तक पानी भी आ चुका है, ये देखिए। देखिए कुत्ते भी सी बीच पे एंजॉय करते हुए, ये देखिए पीछे से और एक आ रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको चांदीपुर घूम के काफी मजा आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। एंड गाइस मुन्ना से चलिए जानते हैं कि मुन्ना को कैसा लगा। मुन्ना तुम्हें कैसा लगा घूम के चांदीपुर? बहुत बढ़िया लगा गाइस। आप सबको कैसा लगा गाइस जरूर बोलिए कमेंट में लिख के, लाइक सब्सक्राइब करना बोलिएगा मत। गाइस ऐसा लग रहा है जैसे मुन्ना आज भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, तो इसको फुल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी घर में। तो गाइस मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में एक नए लोकेशंस के साथ, तब तक के लिए बम बम बोले, बोले।